बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ और मैं हूं एनी शेख। शामिल करते हैं आज की कुछ खास खबरें। तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जलसों से हुकूमत बुखला गई। सियालकोट में इंतजामिया ने पंडाल उखाड़ फेंका, पुलिस ने नहत्ते कारकुनों पर धाबा बोल दिया। लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, हवाई फायरिंग, स्टेज पर मौजूद सामान तोड़ दिया, कई कारकुन जख्मी। उस्मान डार समेत मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से कबल उस्मान डार ने बताया डिप्टी कमिश्नर आठौर से कह रहे थे जलसा इसी मुकाम पर होगा, आप इंतजाम करें। 12 घंटे कबल कहा गया ऊपर से कॉल आई है जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। पीटीआई के कारकुन कचहरी चौक में जमा, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मजदूर के नारे। मसीही बरादरी के तहफात है, वो एक प्राइवेट जगह है। इंतजामिया ने कहा कि कोई पब्लिक प्लेस है, हम आपको आज इजाज़त देते हैं। कानून को हरकत में ला के कानून की एहतराम का सबक सिखाएगी इमरान रियाजी तुम्हें। इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन कानून के एहतराम का सबक जरूर सिखाएंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की इमरान खान को वार्निंग, बोले 3 घंटे इंतजामिया ने बात की थी, मसीही बरादरी की निजी जगह है लेकिन ये खून खराबा चाहते हैं। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब बोली निजी मलकियत की जगह इमरान खान को जलसे के लिए नहीं दी जा सकती, इनका मकसद ड्रामा करना और तमाशा लगाना है। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को सरकारी तहवील में लेने का मुतालबा कर दिया। नैयर बुखारी कहते हैं इमरान खान ने मावराई आइन इकदाम की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ओहदा दरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पैगाम घर घर पहुंचाने के लिए कोशा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना तौकीर अहमद सरवर खां मेयू के साथ मौजूद हैं, मजीद तफसील इनसे जानते हैं। जी राना तौकीर, आगाह कीजिएगा। प्रेस क्लब मुस्तफाबाद में साबिक वजीर आजम इमरान खान की खसूसी हदायत पर वर्कर कन्वेंशन और जलसों का इनकाद किया जा रहा है। इसी वाले से बात करने के लिए जिला सदर सरवर खान साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं इनका इस हवाले से क्या कहना और इवाम और नास के लिए ये क्या मैसेज देना चाहेंगे। इस वक्त जिला कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इंतहाई जोश और जज्बे के साथ इमरान खान की कार पर काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ कस्बों में और हलकों में वर्कर कन्वेंशन शुरू कर दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो जोश और जज्बा नज़र आ रहा है इससे हमें यकीन हो गया है कि पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। जो पहले तो इख्तलाफ राय रखते थे वो भी इस वजह से इमरान खान के साथ आ गए कि ये जो तब्दीली आई है ये गैरों के और बातिल कुव्वतों को कहने पर आई है। अमरीका की छतरी तरह ये लोग इकट्ठे हो गए और तमाम वो लोग जो गैर मकबूल हैं पाकिस्तान के अंदर, जिन पर मुख्तलिफ किस्म के जुराइम और मुकदमात हैं और उन लोगों की हुकूमत बनाई दी गई है, इसलिए पूरी कौम को अल्लाह ने बड़ा शोर दे दिया है। इमरान खान के साथ लग गई और इमरान खान की जो मकबूलियत आज से 2-3 माह पहले थी कम अज़ कम उससे 3 गुना ज़्यादा मकबूलियत बढ़ गई है। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अन करीब जब भी इलेक्शन हुए, और हमारा मुतालबा भी है कि जल्द जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि पाकिस्तान की मुकद्दर बेहतर अंदाज में और पाकिस्तान कौम की बेहतर अंदाज में खिदमत की जा सके। जी, आपने सबके जिला सदर की बात सुनी, उनका कहना है कि हम कल भी खान साहब के साथ खड़े हैं और आज भी खान साहब के साथ खड़े हैं और इलेक्शन फिर फॉर इलेक्शन करवाए जाएं। एंटी नारकोटिक्स पंजाब और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई, सरहदी इलाके कंगनपुर में कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान से 2.7 किलोग्राम हीरोइन बरामद कर ली। बरामद होने वाली हीरोइन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लाखों रुपए बताई जा रही है। मुलजमान मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद कासिम को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ इंसदादे मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबका जिलाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कसूर डॉक्टर अजीमुद्दीन जायद लखवी ने पीटीआई कारकुनान वहदा दरान के हमरा प्रेस क्लब मुस्फाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस हवाले से देखते हैं मुस्फाबाद से राना तौकीर अहमद की ये रिपोर्ट। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व साबका जिली सदर डॉक्टर अजीमुद्दीन जायद लखवी की प्रेस क्लब मुस्फाबाद में नजरियाती कारकुनान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर नजरियाती कारकुनान में सरवर खान मेऊ, नायब सदर कसूर हामिद मुख्तार पटवारी, मोहम्मद ताहर मेऊ, हकीम हाफिज एहसान रहमान, चौधरी मोहम्मद इस्माइल, साबका चेयरमैन इलाहाबाद शहजाद अजब गुल खान, तहसील सदर चूनिया चौधरी अकील असलम, साबका टिकट होल्डर एन ए चौधरी शेर अफगन, वकास तालब, चौधरी अहमद, डॉक्टर मुनीर मलिक, मोहम्मद अकमल खोखर, दीन मोहम्मद एमडी सदर कंगनपुर, डॉक्टर साबर चौधरी हमाद हबीबुल्ला, सदार अब्बास डोगर, सदर एमसी मंडी उस्मानवाला, चौधरी अहमद महंगा, अब्दुल शुकूर पट्टी, मियाँ सलीम शफकत, इनामुल्ला दियो सियालवी,
गुलाम रसूल फलेरी, चौधरी अबू बकर एडवोकेट, अबू बकर आरफ नंबरदार, चौधरी मुश्ताक जट, मियाँ शफीक अनवर, अरफान शरीफ मेऊ, अब्दुल रऊफ भट्ट, अब्दुल रजाक पट्टी, शेर अली खोखर, उजैर अकबर, हाजी जवेद इकबाल सदर एम सी इलाहाबाद, जवेद इकबाल बरकी नायब सदर इलाहाबाद, मियाँ मोहम्मद इमरान व दीगर कारकुनान भी इनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहद लखवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप तमाम हजरात का और प्रेस क्लब के मेम्बरान का शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ आज दावत दी और हाज़िरी का मौका दिया। कहते हैं इंग्लिश में कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि कमरान उसकी हुकूमत तो गई लेकिन लोगों की आँखें खुल गई, उनका शऊर बेदार हो गया और कता नज़र इसके को कोई पीटीआई का मेंबर था या पीटीआई के साथ पहले वो चलता था या ना था, ना चलता था, लेकिन उसको पता चल गया कि अमेरिका और इस्तामार हमारे मुल्क के साथ क्या क्या करता रहा है। और लोगों ने इमरान खान की इस आवाज़ पे कि हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, मुल्क जो है वो हमारा एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम एक खुददार कौम है, हम एक गैरत वाली कौम है, हम हमीयत वाली कौम है, हमारी खुदी जो है वो खुदी जिसका अल्लामा इकबाल ने दस दिया था वो हम में बेदार हो गई है। और हम ये देखते हैं कि ये जो एक हजूम था पूरे पाकिस्तान में, अब वो एक कौम बनना शुरू हो गया है। और मैं ये समझता हूँ कि यही इमरान खान की कामयाबी है और इंशाल्लाह ताला उसे ये हुकूमत तो छिन गई है लेकिन जो अवामी जोश व खरोश, जो अवामी हमदर्दियाँ और ख़ास तौर पे जो इस नज़रिए की बुनियाद पे कि पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार इस्लामी फलाही मुमलकत बनेगा, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, जौक दर जौक खड़े हैं, पुरजोश हैं। और इंशाल्लाह ताला आइंदा जब भी कभी इलेक्शन होते हैं हम देखते हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान जो है वो भरपूर और एक बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ हुकूमत में वापस आएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह उस नज़रिए पे जिस पे कायदे आज़म ने इसको बनाया था और जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिस नज़रिए को हम पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान उन्हीं बुनियादों पे इस्तवार होगा और पाकिस्तान एक खुशहाल, एक तरक्की याफ्ता और एक मुस्तहकम मुमलकत के तौर पे दुनिया में उभरेगा इंशाल्लाह ताला। अगर अवामी सतह पर हम देखें तो लोग खुद ब खुद ही ये नहीं कि जैसे इलेक्शन में कन्वेंसिंग होती है लोगों के पास जाते हैं हम, लोगों के खुद से आज खुद उनके दिल में ये जज्बा बेदार हो रहा है और वो तहरीक इंसाफ की इस कॉल पे। और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की अपनी वजह से नहीं है लेकिन जो इसका नज़रिया है और इसका मकसद है और जो इसका नारा है इस वक्त उसमें इतनी कशिश है, वो लोगों के दिल में उतर रहा है और लोग खुद ब खुद इसकी तरफ मायल हो रहे हैं। इस बारे में ये है कि जो हुक्मरान जो भी होते हैं उनके करीब होने के लिए भी कुछ लोगों को फन आता है और वो आप देख लें कि वो हमेशा ही वही लोग होते हैं जो हुक्मरानों के इर्द गिर्द होते हैं। ये पीटीआई के वर्कर जो थे ये नज़रियाती वर्कर थे, ये कोई उहदों के मुतलाशी वैसे भी नहीं थे, ये एक नज़रिए के लिए काम कर रहे थे। और इनकी और इमरान खान की या हमारी और इमरान खान में मुश्तरक चीज़ यही है कि हम नज़रिए के लिए काम कर रहे हैं और जो नज़रिए की बुनियाद पर रिश्ता उस्तवार होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है जो मुफादात की बुनियाद पर। लिहाजा अगर इनको कुछ नहीं मिला तो ये इनमें से आप देख लें कि अब भी उसी तरह से सरगर्म हैं, उसी तरह से एक्टिव हैं, उसी तरह से ये पुरजोश हैं और बल्कि पहले से ज़्यादा जोश के साथ काम कर रहे हैं कि अब पीटीआई जो है वो सही रास्ते पे और इसका सही मनहज पे चल गई है और इंशाल्लाह ताला ये सब लोग और इनके अलावा और लोग भी वो भी पीटीआई के साथ शामिल हो। मेरा तो ख्याल है कि जो गैर यकीनी सूरत हाल है इसमें किसी भी लम्हे इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। आज तक के लिए इतना ही, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।